बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मेरे अजीज इस्लामी भाइयों और बहनों, मैं मोहम्मद नसीम इस वीडियो में आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, बेशक अल्लाह अज्जवजल्ला के कलाम में वो ताकत और तासीर है कि बंदों की तकदीरें बदल जाया करती है, और अल्लाह ताला ने कुरान करीम के हर एक हर्फ में बरकत और शिफा रखी है, पर इन सब का दारो मदार हम बंदों की नियत पर है। हमारी जैसी नियत होती है उसके मुताबिक हमें बरकतें हासिल होती हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह सुबहानहु ताला का एहसान अजीम है कि उसने यह इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का जरिया मुझे बनाया, और आप भी बहुत खुश नसीब हैं कि आजकल के इस गुनाहों भरे माहौल में भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का आप पर करम है। ऐ हमारे रब, हमारे कदमों को अपनी रजा के जानिब मोड़ दे, हम पर करम फरमा, हम पर रहम फरमा, हमारी बख्शिश फरमा, हमारे गुनाह माफ फरमा, हमको आने वाली परेशानियों व आफत से महफूज फरमा। या अल्लाह, हम सब के हक में इस दुआ को कबूल फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, जिस तरह अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर चीज को किसी न किसी मकसद के लिए पैदा फरमाया है, इसी तरह कुराने पाक में हर बीमारी और हर मुश्किल का इलाज मौजूद है। दोस्तों, अच्छी बातें दूसरों तक पहुंचाना भी एक तरह का सदका है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें, और कयामत के दिन तक सदकाए जारिया का सवाब पाएं। कुराने करीम की 10 हौसला बढ़ाने वाली आयतें। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक को अल्लाह ताला ने एक ऐसी टॉर्च बनाया है कि कुफ्र, शिर्क और जाहिलियत के घटाटोप अंधेरों में ये सही, सच्चा और हक रास्ता तलाश करने में हमारी मदद करता है। अरबों और खरबों इंसानों से भरी इस दुनिया में अगर कोई इसको अपना लीडर और रहनुमा मानकर इसमें अपनी मुश्किलों का हल ढूंढता है, तो उसको जगह जगह रुकावटें हटाने और बंद रास्ते खुलने की चाबी मिलती चली जाती है। वो समझ जाता है कि मेरा मकसद इस दुनिया में क्या है, और इस मकसद को हासिल करने में जो चैलेंज सामने आए उन पर कैसे काबू पाया जाए और कैसे निपटा जाए, क्योंकि अलग अलग आयतों में उसको आगे बढ़ने का हौसला दिया जाता है, तूफानों का मुकाबला करने की हिम्मत बधाई जाती है, फिर अगर कोई मुश्किल आ जाए तो उस पर सब्र की तलकीन भी की जाती है, और बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए अपनी मंजिल तक पहुंचने जाने का हौसला अता किया जाता है। ऐसी ही 10 आयतें हम आपके सामने पेश करेंगे जो इंसान को मोटिवेट करती हैं और उनके अंदर तहरीक पैदा करती हैं। कुरान मजीद की 10 हौसला बढ़ाने वाली आयतें ये हैं। कुरान मजीद की पहली आयत, मुश्किल में फंसे लोगों के लिए। जो शख्स मुश्किल में हो, उसे ऐसा लग रहा हो कि मुझ पर मेरी ताकत से ज्यादा बोझ पड़ रहा है, तो उसे कुरान की ये आयत जरूर पढ़नी चाहिए। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ। اللہ کسی بھی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ سورہ بقرہ آیت 286۔ कुरान शरीफ की दूसरी आयत, अगर आप दूसरों को अपने से ज्यादा पाते हुए देखते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन मुझ पर अल्लाह की वो इनायत नहीं है जो मेरे पड़ोसी या फुला इंसान पर है जिस पर नियमतों की बारिश होती रहती है, तो उसे ये आयत जरूर पढ़नी चाहिए।
ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. देखो सारी फजीलत अल्लाह के हाथ में है, वह जिसे चाहता है अता कर देता है, क्योंकि अल्लाह बड़ी वुसत वाला है, हर चीज का इल्म रखता है। सूरह आले इमरान आयत 73। जी हाँ, अल्लाह जानता है किसे कब और कितना अता करना है। कुरान शरीफ की तीसरी आयत, सब्र के बारे में कुरान मजीद की आयत। अगर आप हालात और मुश्किलात से हार गए हैं और खौफजदा हैं, तो कह दीजिए मुश्किलों से और कह दीजिए इन हालात से कि आओ और हमें डराओ, क्योंकि इनका असर हम पर होने वाला नहीं। जबकि कुरान मजीद की ये आयत हमें सिखाती है कि الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. हमारे लिए अल्लाह ही काफी है और वह बेहतरीन कारसाज है। सूरह आले इमरान आयत 173। कुरान शरीफ की चौथी आयत। अगर आप दुखी महसूस करते हैं, आप परेशान हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हर तरफ रास्ते बंद नजर आते हैं, मुश्किलें और रुकावटें हटने का नाम नहीं ले रही हैं, तो जान लीजिए कि कुरान पाक हमसे कहता है कि अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाता है और अल्लाह से डरता है, तो अल्लाह उसे मुश्किल से निकलने का कोई न कोई रास्ता पैदा कर देगा। सूरह तलाक आयत 2। कुरान मजीद की पांचवी आयत। अगर आप अपने आप को गुनाहगार महसूस करते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी इतने गुनाहों में गुजरी कि आज अपने पैदा होने पर ही अफसोस रहा है और अब पता नहीं अल्लाह ताला मुझे माफ करेगा कि नहीं, तो मायूस मत होना, क्योंकि कुरान मजीद हमसे कहता है कि فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ। जो बातें तुम्हारे दिलों में हैं, चाहे तुम उसे जाहिर करो या छिपाओ, अल्लाह तुमसे उसका हिसाब लेगा और फिर जिसे चाहेगा माफ कर देगा और जिसे चाहेगा सजा देगा, क्योंकि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। सूरह बकरह आयत 284। यानी माफी की भी उम्मीद रखिए। कुरान मजीद की छठी आयत। जन्नत की उम्मीद के बारे है। जो शख्स मन चाही जिंदगी न गुजार कर रब चाही जिंदगी गुजारे, यानी अपने आप को वहाँ मौजूद रखे जहाँ अल्लाह चाहता है और वहाँ से अपने आप को निकाल ले जिस जगह को अल्लाह पसंद नहीं करता, तो कुरान शरीफ उसके लिए खुशखबरी देता है। युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिन मिन्हु वरिद्वानिन वजन्नातिल्लहुम फीहा नईमुम मुकीम। उनका रब उन्हें अपनी रहमत की, खुशनुदी की और ऐसे बागों की खुशखबरी देता है जिसमें उन्हें हमेशा हमेशा का आराम रहेगा। सूरह तौबा आयत 21। कुरान मजीद की सातवीं आयत। नेकी करने वालों के लिए कुरान करीम कहता है कि किसी भी जगह और किसी भी वक्त में की गई नेकी के बदले में कुरान का फरमान है कि نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين। हम जिसे भी चाहते हैं उसे अपनी रहमत से नवाज देते हैं और अच्छे लोगों को बदला देने से नहीं चूकते। सूरह यूसुफ आयत 56। कुरान मजीद की आठवीं आयत।
नेक कामों की तारीफ और इनाम के बारे में कुरान मजीद कहता है कि जो लोग नेक काम करने में हमेशा आगे आगे रहते हैं, कुरान मजीद ने उनकी तारीफ और बदला देने के बारे में कुछ इस तरह बात की है कि والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, हम उनसे उनके गुनाहों पापों को दूर कर देंगे और उनको उनके अमाल का बेहतरीन बदला अता फरमाएंगे। सूरह अनकबूत आयत 7। कुरान मजीद की नवी आयत। औरतों को इनाम। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नेक आमाल का बदला सिर्फ मर्दों के लिए ही है, औरतों का उसमें कुछ हिस्सा नहीं है, बल्कि कुरान मजीद कहता है कि من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون मर्द हो या औरत, अगर मुसलमान है तो जो भी नेक अमल करेगा हम उसकी जिंदगी अच्छी तरह बसर कराएंगे और हम उनको उनके अच्छे कामों का बदला जरूर अता फरमाएंगे। सूरह नहल आयत 97। कुरान मजीद की 10वीं आयत। अपने आप को दुनिया के फरेब और धोखे से दूर रखने के लिए, अगर आप अल्लाह के करीबी बनना चाहते हैं और जन्नतियों में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं तो बस इतना करिएगा कि दुनिया के धोखे में बिल्कुल न पड़िएगा, क्योंकि कुरान मजीद कहता है कि या अय्युहन नास इन वअदल्लाहि हक्कुन फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिललाहिल वरूद। ऐ लोगों, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह का वादा सच्चा है, बस दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में न डाल दे और न कोई धोखेबाज शैतान तुम्हें अल्लाह के नाम से धोखे में डाल दे। सूरह फातिर आयत 5। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कयामत के दिन तक सदकाए जारिया का सवाब पाने के लिए वीडियो को खूब शेयर करें। क्या पता यही आपके और मेरे हम सभी के बख्शिश का जरिया बन जाए। कमेंट में अपनी राय लिखें। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह आपका और हमारा हामी व मददगार हो। अल्लाह हाफिज़।